सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आज मेरे पास है KTM ड्यूक 200। सो गाइस, दिस इज ए BS4 मॉडल और ये वो मॉडल है जैसा ड्यूक पहले देखता था। तो आज मैं इस गाड़ी का ही ब्लॉग बनाने वाला हूँ और ये गाड़ी बेसिकली किसी और का नहीं, हमारा अपना लेबू बाइकर का गाड़ी है। सो विश्वजीत का ये गाड़ी है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। सो गाइस, देख सकते हो कि ये वही पुराना ड्यूक 200 है जो पहला ड्यूक देखता था। तो सामने ही यहाँ पर अपना विश्वजीत का यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है, जैसी ट्रस्ट बाइकर। और यहाँ पर ड्यूक का जो पहले हेलोजन हेडलाइट आता था वो हेडलाइट है, नीचे एक पायलट लैम्प है हेलोजन का ही। यहाँ पर नकल कट से ऑरेंज कलर का। और टायर सेक्शन पे आए तो यहाँ पर है टायर सेक्शन 100/70 और एलो व्हील है। आगे पीछे आपको ऑरेंज कलर के व्हील मिल जाता है। और मीटर कौन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे भी आप लोग देख चुके हैं मीटर ड्यूक का, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। मीटर ऐसे स्वाइप अप होता है और आपको इस मीटर पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। मैं आपको इस बटन को टॉगल करके देखा, यहाँ पर साइज स्टैंड डाउन है, यहाँ पर लो फ्यूल लेवल लिखा हुआ है क्योंकि फ्यूल कम है गाड़ी पे। और ये यहाँ पर लो फ्यूल लेवल वार्निंग भी जल रहा है, यहाँ पर सारे आपको वार्निंग लाइट्स मिल जाते हैं। और टॉगल करने के बाद यहाँ पर एवरेज कितना स्पीड पर गाड़ी भी चला है वो दिखा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर, कितना किलोमीटर के बाद सर्विस करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है आपके पास, आपका एवरेज स्पीड, आपका एवरेज किलोमीटर, आपका फ्यूल कंजम्पशन, बहुत सारे कुछ यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर आपका हीटिंग बार हो गया और यहाँ पर आपका टिप बी ओडो शो करता है। ऊपर का बटन दबा के मैं आपको दिखा देता, ये देखिए गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पर आपका टैकोमीटर हो गया, विच इज़ RPM मीटर। और यहाँ पर आपका गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है। तो मैं आपको फिर इसको तौर ड्यूक में पहले से बैकलाइट क्लस्टर आता है और मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो मिरर आपको कुछ इस टाइप के मिलते हैं, यहाँ पर भी KTM लिखा हुआ है। तो सॉरी, अभी रो लाइट की वजह से वीडियो के लाइट थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पर अभी सनसेट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर KTM लिखा हुआ है। पीछे सीट आपको कुछ ऐसा टाइप का मिलता है, सीट देख सकते हो, सीट उतना भी सॉफ्ट नहीं है, सीट हार्ड ही है इसका राइडर एज एन पिलियन के लिए, और पिलियन के लिए तो सीट का स्पेस उतना ज़्यादा है ही नहीं। और यहाँ पर आपका पीछे का मडगट हो गया, पीछे का टायर है, यहाँ पर भी सिट्रस बाइकर है लिखा। पीछे का टायर सेक्शन किधर है, टायर सेक्शन है 150/80। और इसका डिस्क आपको इस साइड पे मिलता है इधर, और इसका डिस्क का साइज़ है 310 mm। आपको इसमें 44 mm की USD फोकस मिलता है, पहले से ड्यूक में आता था, KTM की सभी गाड़ी में 44 mm की USD फोकस आता था, इसमें भी आता है। और इधर है गियर लीवर, तो ब्रेक लीवर और गियर लीवर एकदम सेम टू सेम है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखियो और ये देखिए, सेम टू सेम है ब्रेक लीवर, गियर लीवर। इधर पर है फ्रंट ब्रेक। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी में कोई भी ABS नहीं है, ये नॉन ABS गाड़ी है। ड्यूक पहले नॉन ABS में आता था। और इंजन की फिगर मैं ऊपर दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, 6-speed गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल इंजन है। यहाँ पर आगे रेडिएटर है, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम स्विंगम मिल जाता है, पीछे का चेस्ट पॉकेट है, इधर साड़ी गार्ड है, और फुटेज पीछे का कुछ ऐसा टाइप का मिलता है आपको, ये भी एल्यूमिनियम का है। तो प्रीमियम ने इस पर ड्यूक में कभी भी कोई भी खामी छोड़ी नहीं है और अभी भी नहीं छोड़ा है। तो चलिए गाइस, फटाफट से आप इसको राइड करते हैं और राइड करके देख आपको बताते हैं कि पुराना ड्यूक चलने में कैसा था। सो गाइस, आप चलाते हैं पुराना ड्यूक 200 को। तो इग्निशन ऑन करते हैं पहले, की स्विच ना ऑन करने से इग्निशन इसका ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर खड़ा है अपना सोनिक, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर और देख सकते हो कि इस गाड़ी में नाइट आई की LED लाइट लगा हुआ है। तो थोड़ा सा लेके चलते हैं इसको हाईवे पे। ऑलराइट गाइस, अब इसको परफेक्ट लॉन्च भी करते हैं, 3-2-1। What a lovely pickup, man! क्या पावर है ड्यूक का, माय गॉड, मजा आ गया। मतलब मेरे पास भी पहले ड्यूक 200 था, वो BS3 मॉडल था, और ये भी पहले वाला ड्यूक 200 है।
तो पावर के मामले में यार पुराना वाला ड्यूक का कोई भी मतलब मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं है पावर के मामले में। इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है ड्यूक 200 पे, मतलब ड्यूक 290 में वाइब्रेशन था मेरा बड़े मॉडल पे, लेकिन ड्यूक 200 पे उतना सारा वाइब्रेशन नहीं था। देख सकते यार इजीली मैं चला रहा हूँ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, हैंडल पे हो गया, मिरर्स पे हो गया, टाइम पे हो गया, उतना सारा वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसका सीट उतना कम्फर्टेबल नहीं है, आपको पीछे में इसका मोनोशॉक मिलता है, एडजस्टेबल मोनोशॉक है, और मोनोशॉक भी इसका सॉफ्ट है, लेकिन इसका सीट सॉफ्ट नहीं है, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। यार क्या पावर है मैन, मैं रियली मिस कर रहा हूँ अपने ड्यूक 390 को, इसको चला के। थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताया कि ये बाइक इसका है, उसका नाम है लिबू वाइकन, हम लोगों का मतलब विश्वजीत, मैं बार बार बोल देता हूँ लिबू वाइकन, तो भाई उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका चैनल का नाम है सीक्रेट्स वाइकन। जैसे आप लोग मुझे प्यार देते उसको भी प्यार देना यार, अपने भाई को भी प्यार की बहुत ज़रूरत है। यार ये ट्रक वाले ना कहीं भी टर्न ले लेते हैं, तो देखो ये लोग दोनों नंबर नहीं धरे। कैसा लगा? मस्त, एकदम मस्त वाला, पुराना वाला ड्यूक का याद आ गया मेरा ड्यूक 290। सो गाइस वापस से मैं अपने सोने पे शिफ्ट कर चुका हूँ और आगे जा रहा है विश्वजीत ड्यूक लेके। तो देख सकते हो यार, मैंने इसलिए कहा था कि पिलियन के इतना भी पेस नहीं रहता, देख सकते हो कि पीटी कितना मतलब मुश्किल से बैठा हुआ पीछे, एकदम मतलब चिपक गया है विश्वजीत के ऊपर। और ये है आज का लाइनअप, और ये है आसनसोल भिन डीजल। चल 80 बाय। तो चलो गाइस आप यहां से निकलते हैं ग्रेविटी से। तो गाइस आगे है रिकदा और मेरे साथ इधर रोनी, पीछे आर्यन, तो सब हम लोग एक साथ ही निकलेंगे आज यहाँ से, सभी का निकलने का टाइम एक ही साथ हो गया है इसलिए। भाई आज तो पूरा आर वन हो गया है, दो दो वर्सन 3, दो दो वर्सन 4, और स्पीड ब्रेकर अभी हाल फिलहाल ये लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रोड है इस रोड पे वो जो टनल है वहाँ से सब बाइक निकलता है, और निकलते ही एकदम स्पीड से निकल जाता था इस रोड से, इसलिए स्पीड ब्रेकर लगाया है। वो तो देखो वहाँ पर भी लगा है। ये लोग भी यार कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो का जो टाइटल होगा, टाइटल मैंने इसलिए अपना जो मैंने पहले ड्यूक का रिव्यू किया था विश्वजीत का उससे रखूँगा, क्योंकि वीडियो का स्टार्टिंग वहीं से ही हुआ है, और उसके बाद जो आज का दिन का जो बाकी सारे जो हम लोगों ने मौज मस्ती की है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो ये रिव्यू होगा, और साथ ही साथ आप लोग बताना कि इस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। मैं तो ड्यूक का रिव्यू करने निकला था, सो गैस उसके साथ ये वाला ब्लॉग मैंने क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि गैस मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ब्लॉग्स भी अच्छा लगता है कि नहीं, तो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस ब्लॉग का जो सेकंड वाला पार्ट है, मतलब सेकंड वाला जो एपिसोड बोल सकते हो या पार्ट बोल सकते हो, वो वाला सीन भी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ऐसा ब्लॉग भी बनाऊंगा कभी कभी,
क्योंकि रोज़ तो मेरा राइड नहीं होता और रोज़ मैं किसी गाड़ी का रिव्यू करने भी नहीं जाता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बात को बोलते हुए मैं आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्टी इंडियन, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।